इधर जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद एक विमान का संपर्क टूट गया। वहीं अभी तक विमान का कोई पता नहीं चल सका है। हालांकि पहले ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि विमान किसी पहाड़ी पर क्रैश हो गया, लेकिन लापता होने के कई घंटे बाद भी अभी तक विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। लापता विमान का अंतिम लोकेशन चांडिल डैम कोयलगढ़ मिल रहा है। अब तलाशी अभियान में एनडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है। जहां प्लेन के क्रैश होने की बात कही जा रही है, वहां पे करीब 30 फीट गहरा पानी है। बताया जा रहा है कि अल्केमिस्ट एविएशन के एक प्रशिक्षण विमान ने मंगलवार दोपहर को जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इस छोटे विमान में इतना ईंधन नहीं था कि यह इतने समय तक उड़ान भर सके। ऐसे में विमान के क्रैश होने की आशंका है। कल दिन के 11:30 बजे सोनारी एयरपोर्ट से अल्केमिस्ट का ट्रेनिंग प्लेन जो आसना 125 उड़ान भरता है, और उड़ान भरने के आधे घंटे के बाद से उसका ETS से कनेक्शन टूट जाता है। कल से ही अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि प्लेन क्रैश कर गया है, प्लेन पहाड़ पे गिर गया है, लेकिन कल देर शाम ये जानकारी मिली कि जो चांडिल का डैम है, आप मेरे पीछे देखिए, चांडिल का डैम में ये जो आसपास के गांव है, कैलागढ़ जगह है, वहां आसपास के गांव वाले नहा रहे थे तो उसने देखा कि एक प्लेन आकर इस जलाशय में गिरा है। उसके बाद कल एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है और एनडीआरएफ टीम लगातार इस चांडिल डैम में खोजने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये सामान जो इक्विपमेंट सारा है जो एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, जो मास्क है, जो सिलेंडर है, उसे लेकर बोट से गई है अंदर और उसको पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर जो प्लेन जो गिरा है, ट्रेनिंग प्लेन जो गिरा है अल्केमिस्ट का, वो किस जगह पे गिरा है, एक्चुअल में कुछ ट्रेस आउट मिले। हालांकि अभी इस चांडिल डैम में परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं परिवार के लोग का रो रो कर बुरा हाल है, चूंकि अभी भी अगर कहे तो आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है कि डैम में ही जो जहाज गिरा। हालांकि जो गांव वाले बता रहे हैं, प्रशासन की पूरी टीम यहां लगी हुई है, स्वयं विधायक जो है ईचागढ़ की सविता महतो यहां, वो यहां पहुंची हुई है और सारे जो जो कार्य हो रहे हैं, जो भी रेस्क्यू हो रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। अब ये देखना है कि एनडीआरएफ की टीम अभी इस जलाशय के अंदर, काफी बड़ा जलाशय है, बहुत बड़ा डैम है, लगभग जहाँ प्लेन गिरा है बताया जा रहा है वहां लगभग 30 से 40 फीट का गहरा पानी है। हालांकि प्रयास किया जा रहा है कि कुछ भी क्लू मिल जाए ताकि जो परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर है तो है कहाँ दोनों पायलट, अब ये देखना है कि एनडीआरएफ की टीम पानी में गई है, क्या निकल कर आता है। सहीवानों के साथ प्रभात, न्यूज 11 भारत, चांडिल डैम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।